जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 1750 से 70 के बीच में तंगेल गांव में, जो कि अभी बांग्लादेश में है, उस वक्त बंगाल में था, वहां पर अवतरित हुए थे। नंबर टू, बाबा जी महाराज बरसाना के वृषभानु कुंड के किनारे रहते थे। नंबर थ्री, बाबा जी को भगवान की लीलाओं में इतनी रुचि थी कि जहाँ कहीं भी सत्संग होता था वो वहाँ पर चले जाते थे और सत्संग सुनने लगते थे। तो उन्होंने दिन का एक समय अपना निश्चित कर रखा था कि इस समय तो मैं सत्संग ही सुनूंगा। नंबर फोर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बाबा जी महाराज को वैष्णवों में प्रमुख सार्वभौम की उपाधि दी थी। नंबर फाइव, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के गुरु हैं मधुसूदन दास बाबा जी महाराज। तो मधुसूदन दास बाबा जी महाराज से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने दीक्षा ली और वृंदावन में कई वर्षों तक उन्होंने भजन किया। नंबर सिक्स, बाबा जी महाराज 6 महीने व्रजमंडल में रहते थे और 6 महीने नवद्वीप मंडल में। तो महाराज को इतना प्रेम था बाबा जी महाराज को धाम से कि वो समझ नहीं पाते थे कि मैं यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ। तो इक्वली डिवाइड कर लिया था उन्होंने कि 6 महीना मुझको व्रजमंडल में रहना है और 6 महीना मुझको नवद्वीप मंडल में। नंबर सेवन, श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज गौर मंडल, व्रज मंडल और पुरुषोत्तम क्षेत्र, जो कि जगन्नाथपुरी है, वहाँ के सबसे रसिक वैष्णवों में से एक थे। नंबर एट, जब बाबा जी महाराज 100 वर्ष के हुए तो चल फिर नहीं पाते थे, उनको दिखता भी नहीं था साफ, लेकिन जब भी कीर्तन होता भगवान नाम का तो क्या करते, वो टोकरी से उछल कर 4 फीट छलांग मारकर वो कीर्तन में नृत्य करने लगते और जोर जोर से कीर्तन करने लगते। कैन यू इमेजिन, 100 ईयर्स जो व्यक्ति चल भी नहीं सकता वो 4 फीट छलांग लगाकर नृत्य कर रहा है। नंबर नाइन, बाबा जी महाराज को जोर जोर से उच्च स्वर में जप करना बहुत पसंद था, तो जब भी कीर्तन वो करते या जप करते तो उच्च स्वर में ही करते थे। नंबर टेन, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज पूरी रात जप करने के बाद भी सुबह उठकर 1108 दंडवत मारते थे भगवान को। 1108, हम लोग मंदिर जाते हैं तो देखते हैं अच्छा भगवान है तो अच्छा इनके पहले इधर दंडवत मारो, फिर उधर दंडवत मारो, फिर इधर दंडवत मारो, 3 दंडवत, अच्छा एक शिला प्रपात जी भी उधर भी दंडवत मारना है, 4 दंडवत, अच्छा एक उधर भी डीटी है, 5 दंडवत, ओह 5 दंडवत मार दिया, अरे थक गए हम, 5 दंडवत कैसे मारे हम। तो हमें अपने आचार्य से श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से सीखना चाहिए, 1108 दंडवत मारते थे वो भगवान को। नंबर 11, सेवा सेवा सेवा, सेवा भाव बाबा जी महाराज के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था, मतलब कि कहीं पर भी देखते वो कि वैष्णवों को उनकी जरूरत है वो तुरंत सेवा के लिए तत्पर हो जाते, किसी को भी कष्ट में देखते, किसी को भी देखते हाँ इनको मेरी जरूरत है, तुरंत तैयार हो जाते। बाबा जी महाराज की सेवा भाव जो था उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। नंबर 12, चातुर्मास का व्रत बाबा जी महाराज बहुत ही सख्ती से करते थे। चातुर्मास के जो पहला महीना है उसमें बाबा जी महाराज शाम को बस 4 केले खाते थे, दूसरे महीने सिर्फ अमरूद खाते थे शाम को, तीसरे महीने केवल छाछ पीते थे एक समय, और चौथे महीने केवल उबला हुआ केला बिना नमक के खाते थे। नंबर 13, बाबा जी महाराज सभी जीवों को एक समान देखते थे, सबको कृष्ण के अंश के रूप में देखते थे। तो एक बार क्या हुआ, बाबा जी नवद्वीप मंडल में थे तो वहाँ पे कुछ पिल्ले थे, कुत्ते, वो बाबा जी की थाली से आकर खाने लगे, बाबा जी भी खा रहे हैं और कुत्ते भी खा रहे हैं। तो जो बाबा जी का सेवक था बिहारी, तो उसे देखा नहीं गया कि अरे मेरे गुरु के थाली से ये कुत्ते खा रहे हैं, तो उसने भगा दिया उन कुत्तों को मार के। तो बाबा जी महाराज बहुत क्रोधित हुए, बोला बिहारी तूने ये क्या किया, तूने इन कुत्तों को क्यों भगाया। तो बोला कि अरे बाबा जी महाराज झूठा कर रहे थे, तुमको पता है वो कौन है, वो धामवासी है, वो धामवासी की महिमा पता है, उन्होंने कितने कितने पुण्य किए होंगे तब जाके वो इस धाम में उनका जन्म हुआ है, और तुमने उनको भगा दिया, अब मैं तब तक प्रसाद नहीं ग्रहण करूंगा जब तक तुम उनको वापस नहीं लाते, वो दोबारा मेरी थाली से नहीं खाते तब तक मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। तो ऐसा भाव था श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का। नंबर 14, 125 वर्ष की आयु में बाबा जी महाराज का शरीर जो है वो झुक गया था बिल्कुल, मतलब कि एक अर्धचक्र जो सेमी सर्कल होता है उसके समान हो गया था, और ना वो हाथ उठा सकते थे, ना वो चल सकते थे, ना वो मुंडी उठा सकते थे, इवन उनके पलकें भी जो है आगे पूरी झुक गई थी, जो आईलिड्स होते हैं ना हमारी, तो उनके 2 सेवक थे वो उनके पलकें ऐसे उठाते थे तब जाके वो देखते थे और जो मंजरियां हैं वो भगवान को अर्पण करते थे। नंबर 15, जब श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 142 वर्ष के हुए तो भक्ति विनोद ठाकुर जी उनके पास आए
और उन्होंने उनसे जो चैतन्य महाप्रभु की जो अवतरण स्थली है उसके बारे में उन्होंने पूछा कि क्या कन्फर्म करने के, क्या यही है। तो जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को पता चला तो उछल गए और नृत्य करने लगे 142 वर्ष की आयु में, जब उनका शरीर बिल्कुल जीर्ण हो चुका था। नंबर 16, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने करुणावश हम जैसे जीवों पर दया करने के लिए श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के हृदय में अपनी भजन करने की शक्ति, शास्त्रों का सारा ज्ञान और भगवान की प्रेमा भक्ति स्थानांतरित कर दी, ताकि ये लेगेसी वो आगे दे सकें। और 144 वर्ष की आयु में उन्होंने इस धराधाम से अपनी लीला समाप्त कर दी। नंबर 17, श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कुछ मुख्य निर्देश दिए थे, जिनमें से एक है स्त्रियों का संग मत करो, उस पुरुष का संग मत करो जो स्त्री का संग करता हो, उस पुरुष का संग मत करो जो उस पुरुष का संग करता है जो स्त्रियों का संग करता है। तो बाबा जी का ये बहुत ही सख्त आदेश था। नंबर 18, बाबा जी का दूसरा निर्देश, अपने जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए हरि नाम करते रहो स्थिरता के साथ। स्थिरता बहुत 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 आवश्यक है। अगर आपके जीवन में स्थिरता नहीं है हरि नाम को लेकर, तो फिर आप अपने जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। नंबर 19, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी का तीसरा निर्देश, जो गौरांग महाप्रभु हैं गौर, वो श्री कृष्ण से भी अत्यधिक दयालु हैं, कभी अपराध नहीं लेते। श्री कृष्ण में भी अपराध ले लें, लेकिन गौरांग महाप्रभु कुछ भी करो आप कभी अपराध नहीं लेते, इसलिए हमें उनके नाम का कीर्तन करना है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। नंबर 20, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का चौथा निर्देश, जो गौरांग महाप्रभु हैं वो कलयुग के अवतार हैं, और श्री कृष्ण कब अवतरित हुए थे, द्वापर युग में। तो इस कलयुग के अवतार का हमें नाम संकीर्तन अवश्य करना है। वो क्या है, जय सच्चिदानंदन गौर हरी, गौरा 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 गौर हरी, जय सच्चिदानंदन गौर हरी, गौरा 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 गौर हरी, जय सच्चिदानंदन गौर हरी, जय सच्चिदानंदन गौर हरी, जय सच्चिदानंदन गौर हरी, जय जय सच्चिदानंदन गौर हरी। तो इस नाम का कीर्तन हमें अवश्य करना चाहिए। नंबर 21, श्री राधा कृष्ण लीला में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज रसिक मंजरी हैं। तो ये थी 21 रोचक जानकारियां श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के जीवन से जुड़ी हुई। और अब जाते जाते हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं कि कैसे बाबा जी महाराज पर राधा रानी जी की विशेष कृपा थी। तो एक समय हुआ यूं कि वृंदावन में अकाल पड़ गया, पूरा बरसाना वृंदावन सब जगह अकाल पड़ गया। तो बाबा जी तो मधुकरी करके खाते थे भिक्षा मांगकर, अब जब अकाल पड़ गया किसी के पास कुछ खाने के लिए है ही नहीं तो बाबा जी किससे मांगे। तो बाबा जी ने सोचा अब मुझे बरसाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब तो यहाँ पर कुछ खाने के लिए है नहीं और मैं किससे मांगने जाऊँ, क्यों मैं इन बेचारे ब्रजवासियों को परेशान करूँ जाके, जब उनके पास खुद ही खाने के लिए नहीं है तो मैं भी क्यों उनके ऊपर बोझ बनूँ। तो बहुत ही भारी हृदय के साथ वो एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे, एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे, और बढ़ाते 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 राधा रानी का ख्याल करते हुए कि मैं कैसे उनसे अलग, उनका हृदय पूरा कांप रहा था, उनका शरीर पूरा कांप रहा था कि मैं कैसे 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 मैं राधा रानी को छोड़कर जाऊं, कैसे मैं सूरज भूमि को छोड़कर जाऊं, कैसे मैं बरसाने को छोड़कर जाऊं। तो जब वो जा रहे थे तो एक किशोरी आई, एक छोटी बच्ची आई, तो उसने पूछा अरे बाबा जी कहाँ जा रहे हो। तो बाबा जी महाराज ने बोला मैं बरसाना छोड़कर जा रहा हूँ। तो उस बच्ची ने बोला लेकिन बाबा जी क्यों, आप क्यों जा रहे हो बरसाना छोड़ के। तो बाबा जी ने बोला अरे बेटा देख पेट का सवाल है ना, भूख लगती है, अभी खाने के लिए कुछ है नहीं तो क्या करें। तो बच्ची ने बोला कि खाने के लिए नहीं है बाबा मतलब। तो बाबा जी महाराज ने बोला अभी देखो ना अकाल पड़ गया है, मधुकरी किससे मांगूं मैं अब। तो जो किशोरी थी उसने बोला अरे बाबा तेरे ताए टोटो, मतलब कि अरे बाबा आपके लिए अकाल पड़ गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाबा जी महाराज ने बोला है बच्ची ऐसा है तभी तो मैं जा रहा हूँ ना यहाँ से। तो उस किशोरी ने बोला अरे मेरी माता ने तो आपके लिए मधुकरी रखी है, आप जाके ले लो उधर से। तो बाबा ने बोला मधुकरी रखी है, तो ऑफकोर्स बाबा जी महाराज छोड़कर तो जाना नहीं चाहते थे बरसाना। तो बोला ठीक है अब बच्ची कह रही है तो जाके देखता हूँ। तो वो गए उसके घर पर, नॉक किया, तो वो वहाँ से उसके जो पिता थे वो निकले ब्रजवासी, उनका नाम था बनखंडी,
तो बनखंडी जी निकले, तो उन्होंने बोला जी, तो बोला कि उन्होंने बोला कि मेरे आले पर, आला मतलब ताखा होता है जो दीवार में से गड्ढा होता है ना, पहले पुराने ज़माने में होता था, उसमें सामान रखते थे, तो कहीं आला होता है कहीं ताखा बोलते हैं। तो उन्होंने बोला बाबा जी महाराज ने कि आले में वहाँ पर मेरे लिए मधुकरी रखी हुई है, रोटी रखी हुई है, आपकी बेटी ने बोला। तो वो सोचने लगा, बनखंडी जो थे वो सोचने लगे, अरे ये क्या बोल रहे हैं। तो गए अपनी पत्नी से बोला कि ऐसे ऐसे बाबा जी महाराज आए हैं कोई और बोल रहे हैं कि वहाँ आले में रोटी रखी हुई है। तो उनकी पत्नी भाग कर गई, देखा तो वहाँ पर वास्तव में बहुत सारी रोटी रखी हुई थी। अब उन्होंने बोला कि उनकी बेटी को तो कब को ब्याह के चली गई है, उनकी कहाँ से बेटी आ गई। तो उन्होंने जाके बाबा जी महाराज को दिया और वो समझ गया कि ये राधा रानी जी की ही विशेष कृपा है। तो उन्होंने बाबा जी महाराज से बोला कि बाबा जी महाराज ये लो, और हाँ आप रोज़ यहीं से भिक्षा लेकर जाना, रोज़ यहीं से मधुकरी लेकर जाना आप अपने लिए। तो बाबा जी महाराज फिर वहाँ से हर रोज़ वहाँ जाते और वहाँ से रोटी लेकर बाबा जी महाराज प्रसाद पाते। तो राधा रानी जी ने विशेष प्रबंध किया शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के लिए, ताकि वो बरसाना छोड़कर नहीं जाएं, क्योंकि बाबा जी महाराज को जो विरह अनुभव हो रहा था बरसाना छोड़ने का, वही अनुभव राधा रानी को भी हो रहा था, क्योंकि राधा रानी भी अपने प्रिय भक्तों को नहीं छोड़ती ना। तो बाबा जी महाराज फिर रोज़ वहाँ से भिक्षा लेकर फिर खाने लगे। इवन जो बाद में बाबा जी महाराज के एक शिष्य हुए प्राण कृष्ण दास महाराज, तो वो भी वहीं से भिक्षा लेकर खाते। और ऐसे धीरे धीरे जब ये बात फैली तो सारे जितने भी संत थे वहीं पर भिक्षा मांगने के लिए जाते। तो एक रोटी का एक टुकड़ा भी मिल जाता तो बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि राधा रानी जी का प्रसाद है ना वो। आज भी जो उनका परिवार है बनखंडी जी का बरसाने में, वो आज भी सबसे सुखी और सबसे संपन्न परिवार है। क्यों? क्योंकि राधा रानी जी की विशेष कृपा है उस परिवार के ऊपर। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जैसे रसिक वैष्णव ने जहाँ से मधुकरी की हो, उस परिवार का संपन्न होना तो बनता है। आज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का तिरुभाव दिवस है और हम उनसे प्रार्थना करते हैं उनके चरणों में उनका प्रणाम मंत्र बोलकर, गौरा विरभाव भूमे स्तम निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। तो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से हम प्रार्थना करते हैं आज कि बाबा जी महाराज हमको भी थोड़ी सी भक्ति दे दें, राधा रानी के चरणों में थोड़ी सी सेवा दे दें, ताकि हम भी कृष्ण के प्रिय बन सकें। हरे कृष्ण।